एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। लिब्रा तुला राशि, ओके, सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई है आप लोगों की। द मून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये वीक ना आप लोग बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को पहचानने वाले हो, जैसे कि जो कुछ ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जैसे गॉसिप्स करना आपके अगेंस्ट, आपको जस्ट आपको हमेशा डीमोटिवेट करना, कुछ भी ऐसे लोग जो हमेशा आपकी एनर्जी को डाउन करते थे, आपकी एनर्जी को लो करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरली आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट करने वाले हो, जस्ट उन्हें नो कहने वाले हो। और अगर कुछ ऐसे लोग भी थे आपकी लाइफ में जो आपका एडवांटेज लेते थे, उनको भी आप, जैसे कि बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग होते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी तक आप लोग हेजिटेट होते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे कि सामने वाले पर्सन को कहीं बुरा ना लग जाए, कोई हमारी बात का गलत मतलब ना निकाल ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक ना आप लोग अपनी एनर्जीज में आने वाले हो। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड में कहूँ वो गलत भी नहीं है, क्योंकि अपने बारे में भी हमें ही सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग थे, ज़्यादा गॉसिप्स वगैरह में ध्यान देते थे, या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं थी, कुछ गलत आदतें थी, आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो, उनसे दूरियां बनाने वाले हो। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। सो पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि आपका दिल टूटा हो, या फिर आपको चीजें अच्छी नहीं लगी हो, किसी पर्सन का जैसे ट्रू फेस आपको रिवील हुआ हो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। और आपको तकलीफ भी हुई होगी, आपको बहुत ज्यादा दुख भी हुआ होगा, एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन कि हमने इतना करा इस पर्सन के लिए एंड हमें ऐसी चीज मिली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो। और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो ये कह रहा है अपने लिए काम करना, इंडिपेंडेंट होना, अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव पर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, अपने करियर पर ध्यान देना। साथ में मुझे यहाँ पे डिवाइन से भी आप लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, आप लोग प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। कौन पर्सन, यानी कि कोई पर्सन आपके लिए कितना अच्छा है कितना नहीं है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस में से जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्शन ही सही हो, तो अपने लिए राइट चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने लिए कोई डिसीजन लेते हैं, हम अपने लिए कुछ करते हैं, सो सब लोग खुश नहीं होते हैं उससे। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम लोग हमेशा सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सो जो सही है, जो आपको सही लगता है, आप वो करिए। क्योंकि आपके चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कभी भी कम्प्लीटली ना हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए करना सीखिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मैं जस्टिस वाला पीरियड देख रही हूँ। आप लोग खुद ही अपने साथ जस्टिस कर रहे हो। अभी तक आप लोग ढूंढते थे कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएं या फिर अपने आप ही बेटर हो जाएं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लिए एक्शन ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये। स्टिल आपसे एक चीज कहूंगी कि सही और गलत दोनों में फर्क करना सीखिए, और अपने कर्मास का ख्याल रखिएगा कि कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो कि आपका कर्मा खराब हो। दूसरे लोगों की वजह से अपना कर्मा खराब नहीं करिएगा। अभी इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। लिब्रा तुला राशि, मैजिशियन एंड द मिरर, आपके हाथ में पावर्स हैं। ओके, मैं बताती हूँ। कैरिंग कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी।
कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी, दूसरे लोगों की वजह से लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंटरफेयर करा, अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया गया गया आपको या फिर आपके पार्टनर को। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं। सो यहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने अंदर हिम्मत जुटाइए, स्ट्रांग बनिए और अपने लिए एक्शन लीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज ना, यहाँ पे ऐसा होता होगा कि आप लोग जब तक सॉफ्ट बिहेवियर हो तब तक हो, आपको गुस्सा आया अगर आप रूड हुए तो बहुत ज्यादा आप लोग वॉयलेंट हो जाते होंगे, बहुत ज्यादा ही, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही बोल जाते होंगे। हाँ, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होना आपके लिए जरूरी है, अपने शब्दों का सही चुनाव करिएगा अगर आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो। और कार्ड ले लेती हूँ इस डेक से, लिब्रा तुला राशि। स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है। जो मैं अभी राइट चॉइस की आपसे बात कर रही थी कि राइट चॉइस आपको लेनी है, मैं बताऊं उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। आप डिवाइन से बोलिए हेल्प के लिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और आप सही डिसीजन ले पाएं। तो बेसिकली यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, बट डिसीजन आपका है, चूज आपको करना है। सो चूज वाइजली, ये आपसे कहूंगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।